हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। के गांव बैरका में लोगों ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया, पुलिसकर्मी को बंधक बनाया। दरअसल यहां सेंट्रल पार्क कंपनी और ग्रामीणों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बीती रात सेंट्रल पार्क कंपनी और ग्रामीणों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बीती रात सेंट्रल कंपनी के सुरक्षा कर्मी ने पुलिस को जानकारी दी कि बैरका गांव के कुछ लोग आए और उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी सूचना पाकर पुलिस की टीम गांव पहुंची। इस दौरान पहले से ही घात लगाए बैठे लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर पथराव कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी घायल भी हुए। बताया जा रहा है कि लोगों ने पुलिस के एक जवान को बंधक बनाकर रखा। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसा है, सेंट्रल पार्क और बल्लू सरपंच है, बैरका का एक सरपंच, उनका आपस में विवाद है जमीन को लेकर के। तो 3-4 दिन पहले 30 तारीख को बल्लू ने उस पर दीवार बनानी शुरू की थी, जिसके ऊपर कंपनी वालों ने ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कंप्लेंट दी थी कि जी हमारी अवैध दीवार बना रहा है, जो इसको लेकर के उन दोनों का विवाद चला हुआ था। इसलिए फिर बल्लू सरपंच ने उनको धमकी दी, तो कंपनी की तरफ से कर्नल दत्ता ने 323/506 का मुकदमा दर्ज कराया 2 तारीख को। और कल फिर रात को इनने बल्लू सरपंच ने आदमी इकट्ठे कर रखे थे, लड़के मसल्समैन, उन्होंने कंपनी का एक गार्ड है उसको धमकाया होगा, उसके मारने के लिए दौड़े। उसने कंट्रोल में वी टिगरी लगभग 10:30 बजे